श्री सिद्धेश्वर तीर्थ में सजा है मां दुर्गा का भव्य दरबार, जो ममतामयी मां के समक्ष और साक्षात गुरु भगवान के दिव्य सानिध्य में आयोजित होगा। हमने सुना है कि कॉफर ऑफ डोनर नेवर वी एम्प्टी, दानी का कभी तिजोरी खाली नहीं रह सकता है। और व्हाई गॉड इज गिविंग, यू आर गिविंग, भगवान इसलिए तुम्हें देता है कि तुम दे रहे हो, तुम अच्छे कार्य कर रहे हो। कभी कभी वो कंजूसों को भी देता है इस होप में कि ही इज गोइंग टू गिव, ही विल गिव, वो आज नहीं कल देगा। तो मेरे बंधुओं, और दान सिर्फ धन का नहीं, बहुत चीजों का है, विश्वास का, सेवा का, तन का, मन का, विचार का, हर तरह की दान है। और बहुत बार जिसके पास अगर धन कम हो, मत घबराना, अपनी प्रवृत्ति रखना दान की, क्या तन से हो, क्या मन से हो, क्या विचार से हो, क्या भावना से हो, किसी रूप में प्रवृत्ति अगर रखोगे और वो भावना बनती जाएगी तो कल धन भी होगा और दान भी करोगे। अगर प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो कल होगा भी और कर भी नहीं पाओगे, फिर वो सार्थक भी नहीं होगा। एक राजा के 5 लोग थे, एक ब्राह्मण देवता थे जो उनकी पूजा कराते थे। राजा का जो दूसरा सेवक था वो नाई था, एक राजपूत था जो सेवा करता था, चौथा धोबी था जो कपड़ा धोता था, और पांचवा व्यापारी था जो उनकी अकाउंट करता था। तो राजा जब तीर्थ पर जाने लगे, मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, आप पांचों अपना अपना काम कर लेना, आप लोगों ने बहुत सेवा दिया है, पांचों को बुलाया और सबको बराबर मात्रा में पैसे दे दिया और कहा ले तुम अपना काम करके, अब तुम लोग आगे बढ़ जाना, मैं लौटू कि नहीं लौटू, नहीं तो तुम लोगों का कर्ज मेरे ऊपर रह जाएगा, ए लो। राजा देकर चले गए। राजा मरे नहीं, 20 साल के बाद लौट कर आए, आए तो देखे थे कि पांचों की पांच स्थिति। तो उन्होंने पांचों को बुलाया राजा और कहा कि यह कैसे हुआ। ब्राह्मण से पूछा कि जो मैंने पैसा दिया तुमने क्या किया। तो बोला राजा क्या किया, मैं सोचा कि वो पैसा खर्चा हो जाएगा, कुछ कुछ खर्चा किया, कुछ बता तो सोचा मंदिर बना लेते हैं, इसकी पूजा में जो पैसा चढ़ेगा उससे मेरा जीवन चल जाएगा। तो वो पूजा कर रहा था, उसको भिक्षा में मिल रहा था, जो चढ़ावा मिल रहा था उसे खा रहा था। नाई से पूछा कि तुमने क्या किया। तो बोला महाराज मैं तो पैसे रख दिया, कुछ खर्चा किया, कुछ पॉकेट में ही रखा, चूहा कतर डाला। धोबी से पूछा तुमने क्या किया। बोले मेरे पैसे तो खर्च हुए नहीं, पड़े पड़े रहे, कुछ खर्चा किया, कुछ बचा था, मैं सोचा क्या करूंगा, खर्चा हो जाऊंगा, मेरी पत्नी एक दिन मेरे कपड़े को पानी में डुबाई, उसी पॉकेट में था, पानी में गल गया। तो राजपूत को पूछा तुमने क्या किया। तो राजा आपने पैसा दिया, मौज से खाया पिया, थोड़े मोड़े पैसे बचे, आंकड़ा चला रहा हूं। तब उस व्यापारी को बुलाए, बोले भाई तुम क्या किए कि इतने बड़े हो गए, इतने बड़े तुम कैसे बन गए। उसने कहा राजा आपने पैसा दिया, मैं उस पैसा को सोचा खर्चा करूंगा तो खर्चा हो जाएगा, ऐसा करता हूं कि मैं इसको खर्चा नहीं करता हूं, इससे कमा कर खर्चा करूंगा। तो मैंने क्या किया, उस पैसे को व्यापार में लगाया, व्यापार से कुछ फायदा हुआ तो मैं उसमें से मुट्ठी भर निकाला और धर्म की खेती कर दी। तो जब मुट्ठी भर धर्म की खेती की तब मेरे व्यापार में राजा बोरा भर कर आया। अब बोरा भर आया तब मैंने अजुली से धर्म की खेती कर दी। तब ट्रैक्टर भर कर आया, ट्रैक्टर भर कर आया तब राजा मैंने टोकरी से धर्म की खेती कर दी। तब लौरी भर कर आया और अब मैं रोज दोनों हाथों से धर्म की खेती करते जाता हूं और वो दसों दिशाओं से मेरे को देते जाता है और आपके बराबर हो गया हूं। तब मेरे बंधुओं, जीवन में धर्म की खेती करनी चाहिए, करते जाना, क्या कर्म से हो, क्या धर्म से हो, क्या जीवन से हो, क्या सेवा से हो, क्या बुद्धि से हो, क्या धन से हो, किसी रूप में करते जाना। जब करते जाओगे तो तुम जीतते जाओगे और एक समय होगा कि तुम धनवान हो जाओगे। नवरात्र के इस शुभ अवसर पर सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत आतुर। श्री सिद्धेश्वर तीर्थ
ब्रह्मऋषि आश्रम तिरुपति।